टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 15,000 रुपीस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। अगर आपका बजट अभी के टाइम पे 15,000 के आसपास में है और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 15,000 के आसपास में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का मिलेगा। तो अगर आपको एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए और आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, मैंने आपके लिए सभी फोन को रैंक कर दिया है। नंबर 5 वाले फोन से स्टार्ट करेंगे और घटते घटते नंबर 1 तक जाएंगे। तो लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी 12 5G। अगर आपको अभी के टाइम पे 12-13 हज़ार के बजट में एक अच्छा पावरफुल फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है और 550 निट्स का ब्राइटनेस भी है। रिफ्रेश रेट ठीक है एंड डिस्प्ले सही मिलेगा। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है। और बात की जाए सेल्फी कैमरा का तो वो 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। खास करके प्राइमरी कैमरा ही इस फोन का बेटर मिलेगा, बाकी कैमरा एवरेज टाइप का है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 4nm पर बना हुआ है और 4 लाख+ अंतुतु स्कोर भी है। गाइस प्रोसेसर जो है ना काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी बढ़िया है। बैटरी की बात की जाए तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। 18W का चार्जर इस बजट के हिसाब से एक एवरेज टाइप का चार्जर है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8.2mm का थिकनेस है एंड 199 ग्राम इस फोन का वेट है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, 3.5mm वाला जैक दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन IP53 रेटिंग के साथ आता है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का टॉप वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,500 रुपया है। इस फोन का 4128 आता है एंड 6128 वाला वेरिएंट भी आता है, जो कि आपको 15,000 के अंडर में ही मिल जाएगा। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो 15,000 के अंडर में आने वाला यह एक सही स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट के 4th नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको X5 5G। इसके जगह पे आप रेडमी नोट 12 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन सेम फोन है बट प्रोसेसर में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको अभी के टाइम पे 12-13 हज़ार के बजट में एक अच्छा बढ़िया 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं। अब तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1200 nits का पिक ब्राइटनेस मिलेगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बेहतर है, डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ अच्छा है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। जिस बजट में ये फोन अभी के टाइम पे मिल रहा है ना, इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया है। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और लगभग 400,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। नो डाउट प्रोसेसर पावरफुल मिल जाएगा। इस बजट के किसी भी फोन में ऐसा पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। 1 घंटा में सवा 1 घंटा में आपके फोन
फोन को फुल चार्ज करके दे देगा ये चार्जर। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 188 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.98mm का थिकनेस है। इस चीज को एवरेज सा कह सकते हैं। इसमें 3.5mm वाला जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। IP53 का रेटिंग मिल जाएगा। UFS 2.2 का स्टोरेज टैब भी दिया गया है। और आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 2 वेरियंट में आता है। बेस वेरियंट का प्राइस यानी कि 628 वाले वेरियंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है। इस फोन का टॉप वेरियंट भी आता है 8256 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में जिक्र करके कोई भी फायदा नहीं है। तो 15,000 के अंदर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट के 3rd नंबर पे आता है iQOO की तरफ से iQOO G7S 5G। कुछ टाइम पहले की बात है ये फोन 14,000 रुपया 15,000 रुपया में बिक रहा था, बट फिलहाल के टाइम पे इस फोन का प्राइस फिर से थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 15-16 हजार के बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन भी आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 7.8mm का थिकनेस है एंड 172 ग्राम इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस काफी कम है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। IP54 का रेटिंग मिलेगा। 3.5mm वाला हेडफोन जैक भी दिया गया है। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और ये फोन OnePlus 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.38 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1300 nits का पिक ब्राइटनेस है जो कि काफी ज्यादा है। तो डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ सही है, बट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। खैर कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64MP का है। सेकेंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2MP का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं अल्ट्रा वाइड कैमरा है, बट इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख प्लस अंतुतु स्कोर भी है। 15-16 हजार वाले फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, बढ़िया ही है। बैटरी की बात की जाए तो इसमें 45mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 44W का चार्जर को। 24 से 25 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को, तो ये चीज सही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो गाइस इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,999 रुपया है अमेजोन पर। कुछ टाइम पहले इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस 14,000 रुपया था, बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया है, बट कोई नहीं 15-16 हजार के बजट के हिसाब से भी यह एक अच्छा स्मार्टफोन है। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो लिस्ट के 2nd नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। इसके जगह पे सैमसंग गैलेक्सी M34 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर आपको 15-16 हजार के बजट में एक अच्छा नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.8mm का थिकनेस है एंड 208 ग्राम इस फोन का वेट है। डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। इसमें 3.5mm वाला जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है, मतलब आप सिर्फ 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बढ़िया मिलेगा एंड AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, बट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता
आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। खैर कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा कैमरा वाला फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है और कैमरा के मामले में भी ये फोन बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें Exynos 1280 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 5nm पर बना हुआ है और 415,000 के आसपास AnTuTu स्कोर है। प्रोसेसर सही है बट हैवी गेमिंग वगैरह के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। 6000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा बट हाँ हल्का फुल्का टाइम ले सकता है चार्जिंग में ही। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं फोन का प्राइस भी। तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 628 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,999 रुपया है और 15-16,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G54 5G। गाइस 15,000 के बजट में आने वाला सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन है ये। अगर आपको 15,000 के बजट में क्लीन UI के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं, या फिर अगर आपको एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। तो गाइस इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस पंच होल LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 560 नीट्स का ब्राइटनेस भी है। स्मूथनेस वगैरह बढ़िया मिलेगा एंड ब्राइटनेस भी ठीक है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। नो डाउट कैमरा इस बजट के हिसाब से सही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो गाइस इसमें MediaTek Dimensity 7020 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 4.5 लाख के आसपास AnTuTu स्कोर है। प्रोसेसर जो है ना पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। बात की जाए बैटरी का, जिसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। लगभग आधा घंटा में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को और 6000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 12GB का रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप कहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 192 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.89mm का थिकनेस है। इसमें 3.5mm वाला जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का ऐप थ्रेड वगैरह नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस ये फोन दो वेरिएंट में आता है। बेस्ट वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,000 रुपया है और 12256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपया है। तो 15,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा ऑलराउंडर का स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने 15,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।